नमस्कार एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया कि जनता की समस्याओं को संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से सुनी जाए और संपूर्ण समाधान दिवस के समय सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, ताकि आवेदक को बार बार एक समस्या के लिए तहसील थाना या संबंधित विभाग के चक्कर न लगाना पड़े। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जनपद के खागा तहसील प्रांगण में जिलाधिकारी महोदया और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें 254 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 19 आवेदन पत्रों को मौके पर निस्तारण किया गया और शेष आवेदन पत्र संबंधित विभाग को देकर निर्देशित किया कि आवेदक के यहाँ मौके पर पहुँचे और पक्ष विपक्ष को बुलाकर समझे और पुलिस प्रशासन की जरूरत समझ में आती है तो उन्हें संबंधित थाने की पुलिस प्रशासन को लेकर सही तरीके से निस्तारण कर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भेजे। आप लोगों को बताते चले कि लोकसभा चुनाव के पश्चात खागा तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदया का पहला संपूर्ण समाधान दिवस था, जिसमें बारीकी से हर आवेदन पत्र को देखते हुए आवेदक को की परेशानी को समझकर उसे संतुष्ट करना अधिकारियों का फर्ज है। इसी बात को लेकर जिलाधिकारी महोदया ने कई जिम्मेदार लोगों को फटकार लगाई और यह भी कहा कि इसी जनता के काम करने के लिए सरकार वेतन दे रही, फिर उस जिम्मेदारी को बखूबी क्यों नहीं निभाते हैं। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। बिल्कुल इतना तो टाइम चाहिए आपको, यही से मैं